तो दोस्तों हम आ गए एक ऐसी फार्म पे जहाँ पे अपनों पोल्ट्री फार्म तो देखा होगा, लेयर मुर्गियों का फार्म जो देखा होगा हमारे वीडियो पे। आज पहली बार आए हैं जो कि देसी मुर्गियों का पालन हो रहा है, वो भी हमारे बिहार में एक छोटे से गांव में और छोटी से स्तर पे चालू किए हैं। भैया ऑटो चालक हैं और साथ में देसी मुर्गियों का भी पालन करते हैं। तो जानेंगे इनसे, भैया से इन्फॉर्मेशन लेंगे कि कैसे और कहाँ से देखकर इन्होंने स्टार्ट किया और क्या है इसका बेनिफिट, क्या लागत है। आप देख सकते हैं मेरे मुर्गियाँ दाना खा रही है और जो जुगाड़ से एक बताया जाए कि लगाए हैं जाली का, आप देखिए यहाँ पे शेड भी एकदम एथी वाला हो है जो आता है उसी का उसका बनाए हैं और यहाँ पे दाना खा रही है। तो आइए बात करते हैं इनसे और जानेंगे इन्फॉर्मेशन जो आपको भी मिल सके कोई अच्छा सा। मेरा नाम पप्पू कुमार पटेल। पप्पू कुमार पटेल थी, एड्रेस यहाँ का एक बता दीजिए। सराफरा ग्राम पड़ेगा। सराफरा ग्राम आपका। तो आपने कब इसका स्टार्टिंग किया था, कब जो बच्चा कब डाले थे आप? डाले थे सातवां महीने में। सातवां महीने में आप बच्चे डाले थे। अच्छा, कितने बच्चे से आप स्टार्ट किए थे? हमारे पास 300 बच्चे थे। 300 बच्चे से आप डाले थे। ये सब मतलब मिक्स में है इसका कोई? सारे प्रजाति के है। सारा प्रजाति का है इसमें। सातवां महीने में डाले थे, अब तक इसका वेट लगभग कितना हो गया है? लगभग अभी 2 से 2.5 किलो। 2 से 2.5 किलो हो गया है। हो गया है। यानी आप सातवां महीने में डाले थे, जनवरी है, फिर भी 5 महीना आपका लगभग 5 महीना हो गया है। 5वां महीने में ग्रोथ थोड़ा कम है ना? रख रखाव में थोड़ा सा दिक्कत है, चाहे जो भी है, पहली बार आप एक्सपीरियंस होगा उसके बाद से आप मतलब बढ़िया। इसके बाद जब होगा तो अच्छा से होगा। अच्छा से होगा मतलब एक्सपीरियंस अब कैसा है, मतलब करने में अच्छा? अभी तो ठीक है, इसमें कोई बीमारी भी नहीं है। कोई बीमारी भी नहीं है? नहीं। अच्छा, पोल्ट्री वाली मुर्गियों की तरह कोई बीमारी नहीं लगता है? तो जो है वो सब उनको वैक्सीन दिया जाता है, इनमें वैसे बात नहीं है। वैक्सीन वैक्सीन कुछ नहीं? कुछ नहीं है। अच्छा, तो बढ़िया है, इसमें बीमारी भी कोई नहीं है। आप दाना क्या खिलाते हैं इसको? दाना देखिए हम देसी भी खिलाते हैं। देसी भी खिलाते हैं? क्या क्या दाना खिलाते हैं? जैसे में गेहूं हो गया, गेहूं भी खिला देते हैं। मक्का हो गया, मक्का हो गया, घर का जो निकलता है वो भी खिला देते हैं। वो भी खिला देते हैं। अच्छा, धान उन भी खिला देते हैं? धान भी खिला देते हैं। अच्छा, मान लीजिए खेतों में है। अच्छा अच्छा, खेतों में कोई भी चीज है उसमें से काट कर लाए खा जाती है, डाल दे कुछ भी लगा दीजिए खा जाती है। अच्छा, चलिए बढ़िया। एक फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब एक तैयार होता है जो पोल्ट्री नहीं बोलेंगे, देसी मुर्गियों का जो बोल देंगे। अच्छा, ये बता रहे थे 2-2.5 किलो के, तो अंडा भी देती होंगी? हाँ, कुछ मुर्गी देती है। अंडा कुछ मुर्गी जो अंडा अभी स्टार्ट कर दी है? हाँ, स्टार्ट कर दी है। अच्छा, अभी तो फिलहाल ये 300 आप डाले थे, 300 से कम है अभी ये, कितना लगभग अभी कितना आपके पास है? अभी लगभग 200 पीस है। अभी 200 पीस है, बाकी सेल भी किए थे आप? हाँ, बाकी सेल किया। कब सेल किए थे आप? जनवरी में। एक तारीख जनवरी में। हाँ। क्या रेट का लगभग गया आपका? 300 रुपया केजी के हिसाब से किए। हाँ। चलिए बढ़िया है। आप कितने लगभग पीस सेल किए थे? लगभग हम मान लीजिए कि 300 रखे तो 100 पीस सेल कर दिए। 100 पीस सेल किए, चलिए बढ़िया है। इसके बाद इसको बढ़ाना है आपको? हाँ, बढ़ाएंगे। बढ़ाइएगा, बढ़िया। बिजनेस के तौर पर देखा जाए तो एक अच्छा है। अच्छा है, बढ़िया है। जैसा कि आपने देखा कि ये बढ़ाना भी चाहते हैं और बढ़िया है। एक तो हमारे बिहार में लोन का भी बड़ा सुविधा है लेकिन मिलता नहीं जल्दी, उसमें भी सब्सिडी है। अगर इन जैसे छोटे किसानों को मिले तो बढ़िया अच्छे स्तर पे लेकर जा सकते हैं। बोले फाइनेंशियल प्रॉब्लम की थोड़ा थोड़ा मतलब कम किए हैं, चाहे स्टार्टिंग इसका बढ़िया से। शेड भी टेम्परेरी जो होता है आप यहाँ पे वही रखे हैं, नहीं तो इसको भी बोल रहे थे कि बढ़िया इसको बनाएंगे। अच्छा, आप जो खरीद किए थे वो कितने में किए थे इनका पीस? इनको हम 90 रुपये पीस में खरीदे। 90 रुपये पीस खरीदे थे। हाँ। और 300 मुर्गी आप खरीदे थे। हाँ, टोटल लागत आपका लगभग कितना आया था उस समय? लगभग लगी था 300 का हो गया था, 30 के आसपास में। 30 के आसपास में आराम से। अच्छा, जो शेड आप बनवाए और ये जो जाली आप पीछे लगवाए हैं तो ये लगभग कितना इसमें लागत आया? इसमें खर्च कम है, इस जाली में खर्च कम है, बहुत कम। लगभग 3 से 4 हजार में पूरा मतलब पूरा बाउंड्री शेड पूरा बन गया आपका? शेड जो बना है वो, जी जी जी, और उसका थोड़ा लगा हुआ ज्यादा। अच्छा, उसमें 15,000 रुपये लगा है। 15,000 रुपये लगा है। अच्छा अच्छा, तो टोटल लागत आपका लगभग 20 से 25 हजार ही? हाँ, इस शेड बनाने 20 से 25 हजार मतलब लग चुका था। अच्छा चलिए, अभी ये जो आपके पास ये थी मान लीजिए 200 मुर्गियां है, आप सेल भी किए 300 रुपये पर केजी के हिसाब से, 300 रुपये पर केजी आराम से सेल हो जाता है, आराम से। तो आइए 2 केजी प्लस है। हाँ, 2-2.5 किलो प्लस है, तो अच्छा। अगर प्रॉफिट के हिसाब से देखा जाए तो अच्छा है। अच्छा है। एक तरह से आपका मार्जिनेशन जो लगा था वो तो आराम से निकल जाएगा, प्रॉफिट भी आराम से।
चलिए बढ़िया है। हम तो पहली बार किए हैं ना। अच्छा अच्छा पहली बार किए हैं, एक्सपीरियंस कम है, थोड़ा सा ग्रोथ कम हुआ है, तो कम समय में भी अच्छा ग्रोथ लिया जा सकता है इससे। चलिए इसको जितने खिलाएंगे ना जी उतना कोई ही है, कोई भी खिलाएगा इसको ज्यादा ज्यादा खिलाएंगे तो उतना ही समझे कि उसका वजन भी ज्यादा होगा। वजन भी ज्यादा होगा, वजन ज्यादा होगा तो मान लीजिए इनकम भी है अच्छा होगा। अच्छा अच्छा कम समय में जल्दी तैयार होगा, जल्दी तैयार होगा। आप ऐसे ही मतलब इसको फार्मिंग से लिया जाए तो अच्छा इनकम हो सकता है। बढ़िया पोल्ट्री वाले से तो बढ़िया है, इसमें कोई बीमारी भी नहीं, इसमें कोई वैक्सीन वैक्सीन आप लगवाए हैं इसका? कुछ वैक्सीन वैक्सीन कुछ नहीं लगा है। ऐसा ही हम 90 रुपए का पीस हम लेकर के आए जी, और वो 350-400 ग्राम का वजन जी जी जी, बस उतना ही पर हम कुछ नहीं दिए। इसको खरीदे कहाँ से थे आप? यहाँ से जो झोपड़ी नहीं है। अच्छा जो गाड़ियों पे बेचते हैं छोटे छोटे बच्चे। अच्छा 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 उन्हीं से, कोई फार्म से भी आप नहीं खरीदे उनसे? जो कि वो बेच के चले जाते हैं फिर भी अच्छा ग्रोथ है एक तरह से देखा जाए तो। आप फार्म से लेते तो ज्यादा गारंटी इसका होता, लेकिन इससे लिए हैं तो थोड़ा सा कम में थी, लेकिन फिर भी अच्छा है और बढ़िया फर्स्ट क्लास है। चलिए ठीक है, आप देखिए जो जुगाड़ू शेड है कैसा बनाया जाता है। आप लोग बोलते हैं कि मुर्गी पालने के लिए बढ़िया शेड होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो देसी मुर्गी होती है किसी भी शेड में रह सकती है। आप देख सकते हैं शेड है उनका, जो ठंडी का भी तो मौसम है तो इसमें रखा जाता है। आप देखिए, ये देखिए इसका अंडा है, क्या देसी मुर्गी जो अंडा है आप देखते होंगे। देखिए अभी यहाँ पे 3 ट्रे में रखा गया है अंडा। आप सेल भी किए हैं? हाँ सेल किए हैं। क्या रेट में सेल होता है? 15 से 20 रुपए में मतलब सेल कर देते हैं, गांव में भी लोकल ही सेल करते हैं। अभी अंडे उतना नहीं है इसके कारण से गांव में ही सेल हो जाता है, जो भी 15-20 रुपए रेट आता है। बाकी 200 मुर्गियां लगभग कहीं भी है, अगर सब अंडे पे आ जाए तो अंडे से भी एक अच्छा इनकम जनरेट हो सकता है करना चाहे तो। देखिए यहाँ पे दाने के लिए कहाँ कहाँ तक आ चुकी हैं, ये देखिए इनका, देखिए शेड है ये, इसमें रहती हैं मुर्गियाँ, इसके अंदर रखा जाता है ना। यहाँ पे देखिए मुर्गियों का शेड है, आप देख लीजिए बढ़िया से अच्छा से जगह है मुर्गियों के लिए, और इतने छोटे से शेड में ही आराम से एडजस्ट हो जाती है वो। एक ये ऐसी मुर्गी है जिन्हें दाना अपना भी खिलाएं तो ये मिट्टी खोद कर खा जाती हैं। आप कैसे मिट्टी को जो है गड्ढा कर करके ये देखिए खा रही हैं। आप देखिए यहाँ पे मिट्टी जो उसमें से भी चीचड़ निकलते हैं, जो कीड़े निकलते हैं या कोई खरपतवार निकलता है उसे भी ये खा जाती है। देखिए कितना मिट्टी को गड्ढा कर दी है। तो बता रहे थे भैया कि इसमें बहुत ही कम मतलब लागत आता है जिसे आपको खिलाने में, और बढ़िया इसका ग्रोथ भी अच्छा खासा, अभी 2+ है, 2 kg प्लस है, 2.5 kg प्लस है। अब देखिए यहाँ पे दाना के लिए सब वहाँ पे इकट्ठा हो चुकी है। देखिए वहाँ पे ये देखिए, और इतना ऊपर ये बाउंड्री होने के बाद भी ये छलांग लगाकर बाहर चली जाती हैं। आप देख सकते हैं वहाँ पे एक बाहर गया है मुर्गा, जो देखिए यस्क मुर्गा है, आपको दिखाना चाहे जूम करके। देखिए ये बाउंड्री पार होकर के उड़ करके और चला गया वहाँ। देखिए अंडा जो अभी अभी एक मुर्गी अंडा दी है, देखिए साइज भी काफ़ी अच्छा है अंडे का, जो काफ़ी बढ़िया है। सोनाली मुर्गी का ये अंडा है, सोनाली मुर्गी का ये अंडा है। देसी वाला जो ऐसे ही होता है थोड़ा सा येलो में होगा, आपका पोल्ट्री वाला वो जो चाइनीज आता है वो तो वाइट में आएगा, लेकिन ये ऐसे ही होता है। यहाँ पे देख सकते हैं एक सोनाली मुर्गी भी है, देखिए यहाँ पे आप देख चीने होंगे तो पहचान में आ सकता है आप। देखिए ये है जो सोनाली मुर्गी, काफ़ी फुर्तुली होती है और देखने में भी काफ़ी शानदार, जिसका ब्यूटी होता है इसी के नाम से इसका सोनाली नाम रखा गया, मतलब बहुत ही अच्छी होती है। देखिए आप भाग गई बहुत ही फुर्तुली होती है। और देखिए वाइट भी ये जो आपको पोल्ट्री वाला मुर्गा लग रहा होगा, लेकिन नहीं ये देसी ही है जो वाइट में है। और यहाँ पे एक मुर्गा है देखिए, जो देखिए यहाँ पे जो बाउंड्री से बाहर चला गया उड़ करके, और देखिए बाहर से चिल्ला रहा है। अब देखिए देखिए यहाँ पे जमीन खोद खोद करके पूरा गड्ढा कर दी है और उसमें से चीचड़ और खरपतवार निकाल करके खाती हैं। देखिए कुछ भी ये गोबर ओबर हो, जो खादर होता है जो गांव का मवेशी वाला, उसमें से भी ये फोड़ फोड़ करके जो भी खाना होता है सब निकाल लेती है और खा लेती है आराम से। खिलाने के लिए उतना कोई इनमें झंझट नहीं है कि दाना स्पेशली मंगाया जाए, ऐसा कुछ नहीं। धान गेहूँ जो भी आपके घर पर मक्का होता है हरा चारा सब खा लेती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नए फार्मिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप वीडियो कैसा लगा, किस विषय पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आपको कैसा वीडियो चाहिए, कौन सी जानकारी चाहिए हमें बताइएगा जरूर, उस चीज़ पर हम जरूर कोशिश करेंगे कि आपको लाने की कोशिश करेंगे, कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।